औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे मुसलमानों, अमन व अमान के साथ रहो इंडिया में, मगर ज़िल्लत की ज़िंदगी, बेग़ैरतों वाली ज़िंदगी और जहलों की जैसी ज़िंदगी आज तुम्हारे जो है हवाले हो गई, इस वास्ते कि तुम कुरान को नहीं समझे। और आज नौबत ये आ गई कि हिंदू मंदिर की जगह ज़बरदस्ती से जो है मुसलमानों के ऊपर क़ानूनी एतबार से, क़ानून पास नहीं होने से पहले, वो मंदिर की जगह है करके मंदिर बनाने चल पड़ा। और 1992 में यही हुआ कि मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के वक्त, अब वो बाबर की मस्जिद भी नहीं बोल रहे, प्रूफ लाओ बोल रहे, राम का प्रूफ लाओ बोलो, और वो बनाने वाला कोई और मुसलमान का नाम बता रहे। तो राम वहाँ पैदा हुआ, कोई दाई को बुलाओ या उसकी माँ को बुलाओ प्रूफ के लिए, अगर वो खुदा है। मगर समझ में नहीं आने वाली बातें हैं। अब गौर करो, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया अयोध्या में, उस वक्त पुलिस ठहर कर तमाशा देखी ये हिंदुओं के नाचने गाने और जो है जहालत से, शैतानी तौर तरीक़ों से मस्जिद को शहीद कर दिया। ठहर के देखी हुकूमत भी। आज फिर वही आया, अभी फैसला अदालत का नहीं हुआ, आज फिर शिवसेना और आरएसएस जमा हो गए। 25 तारीख का दिन है, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, और पुलिस फिर ठहर कर तमाशा देख रही। और कानून अंधा कानून है, यहाँ का कानून इजाजत नहीं दिया। अभी हुकूमतें हिंदू की, कानून मनघड़त हिंदू का, मुल्क हिंदू का कह रहे हैं वो लोग, और तुम मुसलमान बेग़ैरत की तरह जी के क्या करोगे। मैं तो पुराने बुजुर्ग लीडरों को कोसता हूँ, अब्दुल कलाम आज़ाद को, जिन्होंने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तुम पाकिस्तान बना रहे, सूबों का मसला उठेगा। मगर ये हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद भूल गए कुरान का असल लफ्ज़, मरहूम, कि अल्लाह कह रहा है इंसान लड़ लेगा, ये भूल गए, इंसान मिलके नहीं रहेगा, ये भूल गए। और अल्लाह ताला ये बताया बुत परस्ती मत करो, और बुत परस्तों के हाथ साथ रहने के लिए अब्दुल कलाम आज़ाद, मैं ऐसे जो लीडर है मैं उनको दुनिया से गए जन्नत की ही दुआ करूंगा, क्योंकि मरे थे खातिमा बिलखैर से, लेकिन इतनी बड़ी गलती कर गए एक हिंदू के साथ, एक शैतान के साथ हम मुसलमान नहीं रह सकते। पाकिस्तान जिस वक्त बना, काश के मुसलमान चले जाता, तो आज देखो ये नौबत नहीं आती हमको डर के रहने की, हमको पुलिस की छावनी में तानत किए हुए वहाँ पर घरों से नहीं निकलने का, वहाँ पर जो है बच्चों को बीमार पड़े तो हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, बीमार ज़ईफ़ को नहीं ले जा सकते, फौज बीच में ठहरी हुई है, पुलिस ठहरी हुई है, रोक रही, ये रोकना नहीं होता। देखो रशिया 100 साल पहले आज़ाद हुआ, रशियन एक दूसरे से नहीं लड़ लेते, वर्ल्ड कप में या ओलंपिक्स में आप देखेंगे उनको, वो स्पोर्ट्स की दुनिया में सारे रशियंस मिलके मेडल ले जाते, गोल्ड मेडल्स बेशुमार। यही चाइनीस है, 100 साल 75 साल से नहीं लड़ लेते, और ये चाइनीस मिलकर, सारे मिलकर इंडस्ट्रीज लगाकर, टेक्नोलॉजी का जो है फ़ायदा उठाकर, अल्लाह को नहीं मानने के बाद अल्लाह ताला ने उनको रिज़्क दिया, टेक्नोलॉजी दिया, और वो जो है कंपनियों से एक दुनिया में ईजाद करके पूरी दुनिया में उनके जो है सामान को पहुंचा दिया, और वो सब मिलकर तरक्की कर लिए, और हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सका, इस वास्ते कि उनके पास खुदा नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास सिर्फ पत्थर और बुत परस्त है, और बुतों की ज़िंदगी में अब फिर एक बुत को रखना चाह रहे हैं इकानमी की गारत करने के लिए, क्योंकि अल्लाह मुंह फेर लेता है कर अल्लाह ताला।
क्या देखा तुमने चाइनीज को लड़ते हुए? क्या तुमने देखा कोरियन को लड़ते हुए? क्या तुमने देखा रशियंस को लड़ते हुए? फिर ये हिंदू इंडिया में मुसलमान से लड़ा, बुत परस्त ये आदमी जो है हिंदू, आपको तारीख गवाह है, बुद्धिस्ट से भी लड़ा, बुद्धिज्म से भी लड़ा, यही तारीख गवाह है। हिंदू जो है ब्रिटिश को बर्दाश्त नहीं करने के बाद में क्रिश्चियनिटी को फिरोक दिया पैसे के खातिर, पूरा साउथ पूरा क्रिश्चियनिटी में भरा हुआ है। ये नहीं समझ में आने वाली बातें हैं। तुम मुसलमान 2 बिलियन क्रिश्चियंस को नहीं बता सके दुनिया में कि अल्लाह ने ईसा को पैदा किया। ये कुरान दिन तमाम पढ़ी जाने वाली, ये कुरान जो है तरावियों में पढ़ी जाने वाली, माह रमज़ान में पूरी दुनिया में, ये कुरान मक्के के अंदर रोज़ाना चैलेंज से पूरी दुनिया को वायरल करने वाली, उसमें कह रहा है अल्लाह ने मैंने ईसा को बिना माप के पैदा किया, मैंने हवा को बिना माँ के पैदा किया, मैंने आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया। तो ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत कुछ भी नहीं, और ये यूरोप में दनदनाते हुए बोलता कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। अरे जिस्म खोल के देखो, उनके पास पीनस है, जिस्म कल जब था दुनिया में वो खाते थे, बाथरूम यूज करते थे। नहीं समझ में आएगा तुमको। मेरा रोना रांड का रोना, हजरत हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह तबलीग जमात के बोल गए, अल्लाह उनको जनसीब करे। मैं सारे मुसलमानों से मोहब्बत करता हूँ। मैं वो मुसलमान नहीं कि मेरे मुसलमान को मैं कीना कपट से या जो है कोई भी छोटी सी भी खलिश के साथ या कजी के साथ या जो है नहीं मेरे पास ख्याल ऐसा बुरा गुनाह का या गंदा ख्याल कि मेरा मुसलमान गुनहगार है। नहीं, मैं माफ़ी दे दे कहता हूँ अल्लाह से। उतनी मोहब्बत करने वाले को बता रहा हूँ कि देखो इलियास रहमत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मेरा रोना रान का रोना और मेरा भी रोना रान का रोना, और तुम कुरान पढ़ने के बावजूद यूरोप में डिबेट करते हो शैतानों से, क्रिश्चियन से, और उसको 2 बिलियन क्रिश्चियन को नहीं बता सकते कि अल्लाह ने ईसा को पैदा किया। तुम क्या करोगे उनसे बहस? अल्लाह ने ईसा को सिर्फ चिल्ड्रंस ऑफ इसराइल के लिए भेजा, पूरी दुनिया के लिए नहीं। जीसस को, ईसा अलैहिस्सलाम को, मरियम की औलाद को, मरियम के बेटे को। अल्लाह ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जाओ और कहो तुम्हारा खुदा मेरा खुदा एक है। ईसा ने कहा, बाइबल कह रहा है, जब यहूदी से उन्होंने बात किया, जब उन्होंने जो है अहले किताब से बात किया, वो भी उससे पहले अहले किताब कहलाते हैं यहूदी, उनसे कहा कि तुम्हारा खुदा मेरा खुदा एक है, मैं कानून तोड़ने नहीं आया। बोले अरे मेरे मुसलमान, तुम क्या बात करोगे ये शैतान हिंदू से? देखो अल्लाह ने शैतान को आग से पैदा किया, हिंदू मरते ही आग में डाल देते। मालूम हुआ कि कुफार मरने के बाद आग में गया और वो शैतान था। तुम क्या बात करोगे उनसे? आज बाबरी मस्जिद की जगह ये मंदिर बना तो लेने दो, इनको अल्लाह ताला बताएगा आगे। देखो मैं एक बताता हूँ मिसाल, ये किंग सलमान है सऊदी का, इसने जो है साइलेंस तरीके से कोशी को मरवाया, ये टेप आ गया, ये प्रूफ आ गया। और ये सलमान किंग सऊदी में है, और ये अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट है या न्यूयॉर्क में लिखा, गौर करो, ये प्रूफ है, ये इंसान का बनाया हुआ कैमरा है, ये इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, और ये इंसान का बनाया हुआ कानून है जो इसको गिल्टी करार दे रहा, मुजरिम करार दे रहा। और अगर से तुम बोल रहे कि राम आया था, तस्वीर कहाँ है? अरे हिंदू से ये पूछो कि मुसलमान ये अगर से वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो मक्के की नमाज को अल्लाह 1 लाख क्यों ने क्या रखा? ये मस्जिद तो है मदीने की, मस्जिद में मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना 50 लाख नेकियां क्यों रखा? ये मस्जिद तो है, और हिंदू कह रहा है कि तुम कहीं भी पढ़ सकते नमाज, और हिंदू कह रहा है हमारी किताबों में लिखा हुआ है। अरे तुम हिंदू से पूछ सके कि ये किताब राम ने दी, वेदास चार वेदास या गीता? तुम पूछे कभी ये गणेश दिया या शिवा दिया या ब्रह्मा दिया? ये इंसान है पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, हर मखलूक पैदा होती है, खुदा पैदा नहीं होता। और गुने कराए इंसान पैदा हुआ राम रूप में इंसान के, अरे इंसान को अल्लाह पानी से पैदा किया, इस वास्ते तो वो पैदा हुआ।
राम, पानी से पैदा करता अल्लाह ताला मखलूक को, इंसान को, उसके पास भी पीनस था राम के पास, उसके पास भी माँ थी राम के पास, उसके पास भी बीवी थी राम के पास। अरे कैसी अंधा धुन जिंदगी गुजारे, ये 21वीं सदी, अब खयामत है। ये देखो ये जंगल की आग है कैलिफोर्निया की, खयामत है। यहां कल तूफान के जैसा रहा, अंधेरा छाया हुआ था पूरा, ये खयामत है। और सिर्फ कुरान में लिखा हुआ है खयामत का। और ये खयामत से पहले मंदिर बनाना चाह रहा, इसकी खयामत हो जाएगी इकॉनमी, तुम देख लेना। अल्लाह ताला ख्वाब में मेरे मस्जिद की जो है निशानी बताया, ख्वाब में मैं उठते वक्त आज, और मेरे ख्वाब कभी गलत नहीं हुए, मेरे बात कभी गलत नहीं हुई। मेरे सारे वीडियो चेक करो, और मैं 8 साल से कर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई हिंदू का गार्ड या क्रिश्चियन का गार्ड या सरदार का गार्ड मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ अल्लाह की जात है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यही मेरे वीडियो। मैं मरने के बाद भी चलेंगे, लेकिन राम की बात आपके सामने नहीं आ सकती क्योंकि वो वीडियो नहीं देखे गया। क्रिश्चियन के गार्ड की बात सामने नहीं आ सकती क्योंकि वो कैमरे से, डॉक्यूमेंट्री से या मूवी से, ऑडियो से, वीडियो से नहीं देखे गया। टेक्नोलॉजी सिर्फ अल्लाह की कुरान के अंदर है। और मैं हर बार कह रहा हूं, हर गार्ड सुन रहा इनका, अगर से होता तो सामने आता। हिंदू तू ये कह रहा है कि हम मुसलमानों को कि हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना, तू खाली मस्जिद को ढाके देख, इससे पहले अजाब आया था मगर तुम उसको फरामोश कर गए क्योंकि तुम इनकार करते हो। इसीलिए जो है एक हिंदू चैनल वाले ने ये बताया कि एक मुसलमान दुआ कर रहा चाइना का, और दो पहाड़ों के बीच में कुरानी आयत की दुआ खत्म होने के बाद दो पहाड़ों के दरमियान से, रॉक्स के अंदर से, दरमियान से वो जो दरार थी उसके बीच में जो सुरंग से जैसा था उसमें से पानी आया। अब ये चाइनीज पानी तो नहीं लाया, ये चाइनीज तुमसे ये नहीं कहा कि जी मैं तुमको इस्लाम देना चाहता हूँ, तुम ये मेरे कुरान की कलाम को सुनो या मेरी दुआ देखो, ये कैसा मौजूदा या करामत है, नहीं उसने नहीं कहा, खाली बताया। और तुम उसके ऊपर शक करके ढेर सारे जो है कमेंट्स कर दिए, तुम झूठे हो, अल्लाह तुम्हारा झूठ हर बार पकड़ा। अल्लाह कह रहा है क़यामत तक के ये राम तुमको आवाज नहीं देगा, क़यामत तक के क्रिश्चियन का ईसा आवाज नहीं देगा जब तक अल्लाह ना भेजे। अल्लाह कह रहा है ये जमीन और आसमान से निकल के बाहर बताओ ए इंसान हिमाकत करने वाले। अल्लाह कह रहा है कि मैं ने ईसा को उठा लिया अपने जोर से, मैंने मेराज में नबी सलाम को बुलाया अपने जोर से। और मुसलमान शैतान किसी को बोलता कि जी तुम 11वीं शरीफ मत करो, किसी को बोलता तुम मिलाद मत करो, तेरे पास कोई वीडियो है रे? अरे कब तक ऐसा लड़ लेते रहे, तेरे कुत्तों की तरह जो है उल्ला तुम्हारे पर हमला कर रहे, अब नोच के खाएंगे तुमको, इंतजार करो मुसलमान बेशरम बेगिरत इंडिया का, मुझे माफ़ करना। अल्लाह तुमको तौफीक दे कि तुम जो है अल्लाह को समझो। और मैं आखिर में एक ही बात कहूँगा, दुआ में ताकत है, हाथ उठाओ अगर तुम्हारे पास थोड़ी शर्म है तो, दुआ में ताकत है, हाथ उठाओ और अल्लाह से कहो अल्लाह तेरे घर को जो है ये शैतान का मलबा बनाना चाह रहे मंदिर बना के, तेरे घर के ऊपर हक को बातिल से मिटाना चाह रहे, और तू कहा कुरान में कि हक आ गया बातिल मिट गया, और ये अपोजिट करना चाह रहे, दिखा दो तुम दुआ की ताकत, और दिखा दो रकात नफिल पढ़ के कि अल्लाह हक है नहीं मालूम हो जाएगा तुमको, क्योंकि मैंने 8 साल में जितने बातें कही हक होके सामने आई, ये दुआ का ही पावर है, ये मेरी नमाज का पावर है, और ये मेरे अल्लाह पे यकीन का पावर है। अल्लाहू अकबर।